सो हेलो गाइस, तो स्वागत है। हाँ मैं आ गया हूँ। कल ही यस्टरडी वीडियो लाया था, आज भी वीडियो लाया हूँ और वो भी लाया हूँ, दिस इज डेस्टिनेशन ऑफ लव। चलो गाइस, इसका पार्ट टू करते हैं स्टार्ट और बताना कैसा है ये स्टोरी और देखते हैं क्या होता है इस पार्ट में। देखते हैं, लेट्स सी क्या हो पाता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं क्या हो पाता है। तो देखते हैं तो चलो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थैंक यू दिल से हर चीज़ के लिए। सो लेट्स सी, अब देखते हैं पार्ट टू में क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पार्ट टू में, स्टार्टिंग में आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा। और आपको प्ले, आप कमेंट पे ये मुझे बता देना क्या मैं इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना लूँ क्या नहीं बनाऊँ, तो बोल दीजिए। और लेट्स सी, पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट टू में हम देखते हैं कि जो हमारे मित्सो, पार्ट टू में मित्सो थोड़ा सा घबराहट होती है, वो सीधा बोल देता है जाओ पाको को मार दो। मतलब क्या हो गया अचानक से, और अचानक से क्यों बोला उसने और क्या हो गया। तो मित्सो को कुछ नहीं, मित्सो को बस इतना लगता है मैं पाको के लिए इतना क्यों फिक्र ले रहा हूँ, अगर वो इस दुनिया में नहीं भी रही तो मेरे लिए है ना मिचिको, तो मैं क्या करूँगा। तो पाको इतना कठोर बन चुका था मिचिको, और मतलब सॉरी मित्सो। अब मित्सो बोलता है कि मैं तो बता जाओ मार दो, ऐसे भी मेरे को क्या ही फ़र्क है उससे, मेरे को फ़र्क होगा तब फ़र्क ही पड़ेगा ना, फ़र्क क्यों पड़ेगा मेरे को। और दूसरी बात कि अब देखते हैं गाइस, अब उसके बाद वो बर्ड वूमेन बोलती है कि ठीक है मैं मार दूंगी पाको को, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी मित्सो कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बोलना है। तभी गाइस, मुझे उसे बोलना है क्योंकि अब मित्सो के पास कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मित्सो खुद बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे पाको से प्यार नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों प्यार है, पता नहीं मेरे को क्या है, जाओ उसे मार दो, ख़त्म करो इस दुनिया के बोझ से, उसे ख़त्म करो। तभी बर्ड वूमेन चली जाती है वहाँ से। तब मित्सो को थोड़ा सा टेंशन होता है, वो बर्ड वूमेन मारने तो नहीं चली गई। तभी बर्ड वूमेन जाती है, वो बोलती है मैं पाको को मार दूंगी। आखिर में अब मित्सो ने भी मुझे एक इजाज़त दे दी, अगर बर्डवन पूछे तुमने पाको को क्यों मारा, तो मैं बोल दूंगी मित्सो ने ही बोला था, और इससे बात ख़त्म हो जाएगा, और मेरे मैं एक और बार अपना बदला, मतलब बदला तो नहीं है लेकिन मैं दो लव कपल को ख़त्म कर दूंगी। तो जो बर्ड वूमेन रहती है वो चली जाती है पाको को मारने के लिए, जो मित्सो को थोड़ा बहुत टेंशन होता है। लेकिन बर्ड वूमेन बोलती है मैं पाको को ऐसे नहीं मारूंगी, अगर मैंने पाको को ऐसे मार दिया तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाएगी, इसी वजह से मैं पाको को ऐसे मारूंगी जैसे मित्सो को बहुत ज़्यादा ही और गुस्सा आ जाए पाको के ऊपर, और मित्सो खुद ही शायद पाको को इतना गुस्सा आ जाए वो मार दे, ऐसा हो सकता है, बर्ड वुमेन ये सोचती है। तभी बर्ड वुमेन को एक आइडिया आता है, ऐसा हो सकता है। तभी गाइज वो बर्ड वुमेन बर्डमैन के पास जाती है, और बर्डमैन से बोलती है कि मैं बर्ड प्लैनेट जा रही हूँ, मैं तुरंत दो दिन बाद आऊँगी। तो गाइज उस दो दिन में होता क्या है कि जो हमारा जो मित्सो रहता है, जब बर्ड वुमेन चली जाती है कुछ लेने के लिए, पता नहीं क्या लेने जाती है, लेकिन जो भी लेने जाती है आपको तो अभी आगे ही पता चलेगा। तभी गाइज जो हमारा जो मित्सो रहता है वो आराम से पाको के बारे में घर पर सोच रहा रहता है, मतलब उसके बारे में सोच रहा रहता है। उसकी एक बात उसे याद आती है, जब वो पाको, इसको एक चीज़ याद आती है, उसको एक ख्याल याद आता है, एक ख्याल आता है कि अगर बर्ड वुमेन ने पाको को मार दिया तो मेरा क्या होगा, अगर पाको इस दुनिया में चली गई तो मैं क्या करूँगा। परमेन को ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि परमेन तो पाको से नफरत करता था। तभी परमेन को एक और ख्याल आता है, नहीं पाको को मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे ज़िंदगी में रही, उसने तो मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने अच्छा किया रिजेक्ट कर दिया, उसे ये भी बात याद आता है। तभी वो पीछे से बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ मित्सो, तुम्हें इतना दुख क्यों। तभी परमेन आखिर में फाइनली अपने बर्डमैन को सब कुछ बताता है, पाको ने मेरे बारे में प्रपोज़ किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ लेकिन मैं दूर रह नहीं पाता हूँ। तभी बर्डमैन कहते हैं कि तुम कैसे रह पाओगे, क्योंकि तुम अगर मित्सो पाको से अगर दूर रहोगे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा तुमने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को खो दिया, तुम्हें ये नहीं लगेगा, बोलो मित्सो बोलो
क्योंकि तुम दोनों की लव स्टोरी, तभी बर्टमैन गुस्से में आता है, क्या बोल रहे हैं बर्टमैन, हम दोनों की लव स्टोरी है। उसी टाइम पाको आती है मित्सो के घर पे, थोड़ा सा आ रही रहती है, उसे कुछ काम रहता है, पाको तो भूल चुकी थी, पाको भी थोड़ा बहुत नफरत कर रहे थे मित्सो से, बट तो भी वो पाको की गलती थी, उसे डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना चाहिए था मित्सो से, थोड़ा देर और रुकना चाहिए था। लेकिन पाको तो भी थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करके आती है मित्सो घर पे, और मित्सो के घर के जो देखती है कि बर्टमैन परमैन कुछ बर्टमैन के ऊपर चिल्ला रहा है, और वो सुन रहे थे पीछे से कि परमैन बोल रहे थे कि आपको नहीं समझ आ रहा है बर्टमैन, पाको बहुत घटिया लड़की है, मुझे नहीं पसंद है। दूसरी बात, वो कोई भी हो, वो कुछ भी हो, वो कोई भी लड़की रहे, वो सुमेरे रहे। हाँ गाइस, परमैन सुमेरे का भी नाम ले लिया था वो भी, क्योंकि उसको फील होता है ना परमैन पाको ही सुमेरे, इसी वजह से। तो परमैन बोलता है कि वो कोई भी हो, वो सुमेरे रहे, कोई भी रहे लड़की, मेरे को कोई फर्क नहीं है उससे, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आई हेट पाको, मुझे हेट है पाको से, बस मुझे हेट है, आई हेट, ये जैसी लड़की को मैं कभी अपने लाइफ में नहीं रख सकता, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं पसंद है पाको, आई हेट पाको। तभी गाइस जो बर्टमैन रहते, ठीक है ना, तो इतना क्या चिल्ला रहे हो, जाओ अपने पास, मैं जा रहा हूँ। तभी गाइस बर्टमैन जब बर्टमैन सुनते हैं कि देखते हैं कि अरे पाको तुम, तभी बर्टमैन पीछे से देखता है, बोलता है पाको तुम इधर क्या कर रही हो। तभी पाको एकदम आंसू से बोलती है, बर्टमैन के पास आती है और बर्टमैन के सामने आती है और बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें इतना नफरत करती हूँ, ये लो। तभी गाइस पाको जो रहती है वो बोलती है लो लो, पाको बोलती है लो मेरा चेहरा, मेरा हेलमेट निकालो, निकालो मेरा हेलमेट। तभी बर्टमैन बोलते हैं रुक जा पाको, अपना हेलमेट मत निकालने दो। बर्टमैन बोलता है नहीं, मैं नहीं निकालूंगा हेलमेट, मुझे कोई शौक नहीं है। तभी गाइस होता क्या है कि तभी गाइस बर्टमैन बोलता है कि मुझे अभी हेलमेट नहीं निकालना, बात ख़त्म। तो यहीं से बर्टमैन चला जाता अपना बर्टमैन सेट पहन के। तभी गाइस होता क्या है कि मूवमेंट बन जाता है और तभी गाइस अब देखो होता क्या है कि जो बर्टमैन थोड़ा सा पहाड़ की तरफ अकेला रहता है, पहाड़ की तरफ देख रहता है, उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था, उसने कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया पाको के ऊपर, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जब बर्टमैन इतना फील भी नहीं करते पाको के ऊपर, बर्टमैन क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि गाइस बर्टमैन को पता था पाको पीछे देख रही है। हाँ गाइस बर्टमैन को पता था वो पीछे देख रही है पाको, तभी वो थोड़ा सा जान मुझ का ज़्यादा चिल्ला देता है, जैसे पाको को बुरा लगे और उससे वो मुझे हेट करे, ये रीज़न था गाइस। वरना बर्टमैन अभी पहाड़ के सामने अकेले बोल रहा था कि मैं जानता था पाको पीछे देख रही है, मैंने देख लिया था उसे, लेकिन मैंने चिल्लाई क्योंकि अगर पता नहीं मुझे उससे प्यार है कि नहीं है, हम दोनों का रिश्ता है क्या, असल में क्या रिश्ता है हमारा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गाइस अब देखते हैं, अलग ही मैंने बोल दिया, अरे भाई ये तो अलग ही मूड में चला गया। तो तभी गाइस उसके बाद होता क्या है कि हमारा जो मित्सो जो रहता है, गाइस अब ये सीरियस मत ले लेना जो मैंने बोला, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अलग मूड में था, ऐसे अच्छा डायलॉग बन गया ना गाइस, एक डायलॉग है ओनली, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं शायद, तो मत सीरियस लेना ठीक है ना। और ये स्टोरी मैंने खुद बनाया बहुत मेहनत से, तो गाइस पूरा सपोर्ट देना। तभी गाइस होता क्या है कि जो मित्सो रहता है, और लेकिन गाइस एक और मैं बोल दूँ, जो बर्ड वुमेन है उसका क्रेडिट गोज टू हमारे सबके एनिमल लवर बर्ड वुमेन के क्रेडिटर है, अच्छे विलन, उन्होंने विलन को ये रिकॉग्नाइज किया है, तो सबके एनिमल लवर पिछले पार्ट में आपको पता चला होगा। और गाइस चलो स्टोरी रिकंटिन्यू करते हैं। तभी गाइस दो पाको जो रहती है वो दो दिन बाद बर्ड वुमेन वापस लौटती है, और वो ऐसी चीज़ लेके लौटती है जिसका कोई एकदम मतलब, वो अपने पास एक ब्लैक मैजिक लेके लौटती है। हाँ गाइस काला जादू लेके लाती है वो, और वो काला जादू और किसी को नहीं देती,
और गाइस वो मतलब पाको के रूम में जाकर छुपके से पाको सोई रहती है। उसे वो सीधा गाइस सुबह उठती है तो वो अपने मतलब थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं अपना मतलब थोड़ा सा अपने शूटिंग करने जाती है। पाको थोड़ा बहुत परमैन के बारे में पूरे तरीके से वो नफरत कर रही थी परमैन से, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत उससे प्यार आज भी बचा हुआ है परमैन के लिए। तो वो मतलब गाइस पाको जो रहती है वो ऐसे ही थोड़ा शूटिंग करके थक जाती तो पानी पीती है, और पानी में बर्ड वूमेन ने एक तरीके से एक आराम से गोली मिलाई रहती है, काला जादू की गोली जिससे ब्लैक मैजिक गाइस, और वो खा लेती है। मतलब काला जादू मतलब हिप्नोटाइज जैसा भी कर सकते हैं, हिप्नोटाइज जैसा कुछ होता है गाइस जिससे गाइस इंसान को कुछ पता नहीं रहता वो मतलब क्या कर रहा है गाइस। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है, किसी की जान भी ले सकता है अगर वो हिप्नोटाइज हो गया। और वो भी हिप्नोटाइज कौन करेगा? बर्ड वुमेन गाइस, बर्ड वुमेन। तभी गाइस होता क्या है कि जो हमारे पाको पी लेती है वो पानी, और पीने के बाद पाको मतलब वो ठीक फील तो करती है, लेकिन कुछ 1 घंटे बाद जब वो अपने पाको ड्यूटी कर रही होती है, उसी के 1 घंटे बाद परमैन भी ड्यूटी कर रहा था, थोड़ा बात दोनों नहीं चल रही थी दोनों की, आपको पता है रिसेंट टाइम में अभी क्या हुआ है। तभी गाइस दोनों में बात नहीं चल रहा, बर्डमैन पाको को थोड़ा बहुत चक्कर सा आ रहा था, पाको गिर जाती है। तभी परमैन देखता है, अरे पाको तुम, पाको रुको। तभी गाइस पाको गिर रहे तो रहती है, लेकिन पाको परमैन तो गाइज उसके बाद गाइज बहुत ज़्यादा ही मतलब मूवमेंट आ गया था, मूवमेंट गाइज, हाँ गाइज मूवमेंट बनाई जा रहा था। तभी गाइज पाको का मतलब नीचे गिरती है और परमैन उसे पकड़ लेता है गाइज। हाँ परमैन उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन गाइज जब परमैन पाको का आँख खुलता है तो परमैन सीधा पाको जो रहती है परमैन को सीधा थप्पड़ मारती है जोर से। हाँ गाइज पाको का सीधा आँख खुलता है, सीधा परमैन को थप्पड़ मार देती है। मतलब परमैन ने उसे अपने मतलब उसको पकड़ लिया था गाइज, उसको बचा लिया था नीचे गिरते गिरते। तभी गाइज उसका आँखें खुलता है तो वो सीधा थप्पड़ मार देती है, और परमैन शॉक्ड हो जाता है, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। और तभी गाइज थप्पड़ एक और मारती है परमैन को, लगातार थप्पड़ पे मतलब 10 थप्पड़ एक साथ। बाप रे बाप, हमारा परमैन के साथ क्या हुआ होगा गाइस। परमैन शॉक्ड हो गया और सारे बर्डमैन सब आते बोलते, पाको तुम क्या कर रही हो। तभी गाइस बर्ड वुमेन आती है, बोलती है, वो थोड़ा नाटक करती है, अरे तुम क्या कर रही हो पाको। परमैन सोचता है ये क्या है, ये थप्पड़ मारी मुझे। तभी पाको कुछ भी बोल रही है कि पाको बोल रही थी, मुझे तुमसे नफरत है परमैन, मैं जानती हूँ मैं इधर क्यों आई हूँ, तुम्हें लूटने के लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जैसे बड़े होके तुम्हें मैं लूट लूँगी, लेकिन लूट लूँगी। और प्लस गाइस वो एक और बार थप्पड़ मारती है। तभी परमैन बोलता है, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ पाको, पाको पाको तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, समझी। तुमने मुझ पर थप्पड़ मारा, मुझ पे अगर प्यार करती थी तो मैं भी तुमसे प्यार पे पड़ गया था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, नहीं पाको से मेरे से मैं पाको से प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें शायद प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुमने उसे सब कुछ तोड़ दिया, हमारा रिश्ता आज से ख़त्म हो चुका है, जो भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तभी गाइस पाको बोलती है, जा 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 मुझे कोई फ़र्क नहीं है, जाओ। तभी गाइस एक और बार पाको थप्पड़ मारती है परमैन को, बोलती है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है, जाओ इधर से। तभी गाइस बर्डमैन बोलते हैं, क्या हो गया पाको को। तभी गाइस जो मतलब पाको को पता है आपको क्या हुआ, पाको अपने होश में नहीं है अभी, हिप्नोटाइज्ड है वो, हिप्नोटाइज और कोई नहीं बर्ड वुमेन कर रही है। और जो बर्ड वुमेन होती है बोलती है, हाँ हमारा कोई डेस्ट, परमैन बोलता है हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है लव का, हमारा डेस्टिनेशन ऑफ एंड होना चाहिए। ये क्या डेस्टिनेशन ऑफ लव है, हमारा कोई डेस्टिनेशन ऑफ लव नहीं, हमारा डेस्टिनेशन ऑफ एंड है, क्योंकि हम लोग एंड हो चुके हैं पूरे तरीके से। परमैन पूरे गुस्से में बोलता है, ठीक है। और परमैन बोलता है मुझे तो, तभी पाको बोलती है, अच्छा। तो पाको सीधा गाइस एक चीज़ निकालती है और परमैन के ऊपर अटैक करती है, और परमैन उससे मतलब गाइस परमैन के सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है। ऐसा क्या चीज़ था, पाको ने क्या चीज़ अटैक किया था। मतलब गाइस देखते रहिए सबका एनिमे टून, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्म मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडा सा माहौल है, ठंडा का माहौल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है। परमैन पूरे तरीके से शॉक पर आ चुका है।
और तभी गाइस पाको जो रहती है, गाइस परमन तो हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन गाइस पाको भी परमन तो हॉस्पिटल में जाने के बाद बर्डमैन सब बयान वो भी बर्ड वुमेन सब हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन जो हमारी पाको रहती है वो पागलों की तरह रोड पर के ट्रेन मतलब रोड के बीच में आ जाती है, गाड़ी आ जाती है और गाइस वो लड़के को और जो गाड़ी चला रहता है पाको पहले से बोल चुकी थी मुझे मार दो, लेकिन गाइस आपको पता है पाको अभी अपने होश में नहीं है, अभी अपनी रियल पाको नहीं है, वो हिप्नोटाइज वाली पाको है, बर्ड वुमेन सब करवा रही है उससे। तो गाइस देखते रहिए क्या होता है, क्या होगा क्या हो पाएगा, क्या स्टोरी बन पाएगा आगे, क्या डेस्टिनेशन ऑफ लव की जगह डेस्टिनेशन ऑफ एंड हो जाएगा, क्या हो पाएगा, बस देखते रहिए सबका एनिमेटून। हम आपके साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे, हम अपने घर पे बने रहेंगे, मतलब गाइस कुछ आदि मूड में हूँ। तो गाइस यहीं से हमारा आज की स्टोरी यहीं से ख़त्म रहती है, और गाइस मैं एक और चीज़ तभी गाइस मतलब इसका पार्ट टू आएगा गाइस, इसके आगे की स्टोरी आपको मिलेगी बहुत जल्द, मतलब आपको तभी इसका तीन स्टेप से चार स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा तभी इसका आएगा आगे स्टोरी, कि वरना आप लोग का डिसीजन है क्या आप आगे का स्टोरी देखना चाहते हो नहीं चाहते हो, कमेंट्स में मुझे चाहिए क्या हो पाएगा आगे, क्या इसका पार्ट 3 आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब आपको ये भी बताना है, और क्या मतलब आपका क्या ओपिनियन है बर्ड वुमेन के बारे में, बर्ड वुमेन एज अ बहुत ही खतरनाक विलन के बारे में, और गाइस का पार्ट 2-3 आएगा, ये बात आएगा गाइस आएगा, लेकिन उससे पहले आपको 3 से 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब और ये सब और शेयर ये सब फॉलो करने के बाद ही आएगा गाइस, वरना कर दो गाइस अब कर दो यार, आप ही के ऊपर है ये आएगा कि नहीं आएगा। और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, मतलब आपको गाइस आपके ऊपर डिपेंड है, और गाइस एक और चीज, और गाइस अब होगा एक अगला बहुत ही कमाल का, क्योंकि अब होने वाला है बहुत ही कमाल का, क्योंकि आगे हम और गाइस ऐसे ही करके स्टे सेफ एंड अस्सलाम वालेकुम।